जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी, तो एक दिन वो गए वहां पे हॉस्पिटल में और उस पे ले हैंड करके आए। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब परमेश्वर का स्पर्श किसी के ऊपर आता है तो उसका जीवन सेम नहीं रहता, और परमेश्वर जब किसी के जीवन में चमत्कार करते हैं तो उसका धर्म या जात या फिर उसकी हैसियत को देकर नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी दया और करुणा के कारण ऐसा करते हैं। और जब सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला सच्चा विश्वासी किसी अविश्वासी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस विश्वासी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते और उस प्रार्थना का उत्तर उस अविश्वासी के जीवन में चमत्कार करके देते हैं। दोस्तों परमेश्वर की योजना को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं, इसे सिर्फ एक आत्मिक इंसान ही समझ सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब एक चर्च में कोई इंसान प्रार्थना करवाने के लिए पास्टर जी के पास आता है तो पास्टर उसका धर्म या जात पूछकर उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की दया हर एक इंसान पर हो और परमेश्वर सबके दुख दूर करे और बीमारों को चंगाई दे। साथ ही हर कोई सच्चे परमेश्वर के बारे में जानकर पापों से मन फिराकर उस परमेश्वर पर विश्वास करे, इसके लिए वह प्रार्थना करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनको लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ की हीलिंग के लिए लोगों से प्रार्थना करने की अपील भी की जा रही थी। और अभी फिलहाल 15 दिनों बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया है, और न्यूज़ के हवाले से ये भी सामने आया है कि अभी उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है। और ये सुधार कैसे हुआ है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में पिछले कल अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने थर्सडे लाइव मीटिंग के दौरान इसको लेकर एक बात शेयर की। तो अपोस्टल जी ने राजू श्रीवास्तव को लेकर क्या कहा, आइए हम जानते हैं। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी, तो एक दिन वो गए वहां पे हॉस्पिटल में और उस पे ले हैंड करके आए। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं। हम तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार। और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ, और एक दिन अगले दिन होश आ गया उनको। दोस्तों आप किस वीडियो को लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।